अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ में खुश आमदीद। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन के साथ मैं हूँ शबील हसन आबदी, और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे फ़हद शहबाज़। मार्केट की सूरत हाल, मार्केट की कंडीशन, उतार चढ़ाव, मार्केट मंदी का शिकार है या पॉजिटिव जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट की अगर बात करें तो आज मार्केट जो है वो सुबह से ही मंदी का शिकार है, और मार्केट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा जा रहा है। कल क्लोजिंग भी मनफी में हुई थी, आज जो आगाज़ है वो भी मनफी जोन से ही हुआ है। पिछले 2 दिन से मार्केट को जो है वो बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन ओवरऑल जो है वो इसमें हमें फहद मंदी ही नज़र आती रही है। जी बिल्कुल, नाज़रीन को बताते चलें कि मार्केट की जो सूरत हाल है, और साथ साथ अगर बताते चलें इस वक्त बात करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, फौजी फर्टिलाइज़र है, इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है, लॉट पीटी है, ये हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स हैं। साथ साथ आपको बताते चलें कि 263 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, 17 में कोई तब्दीली नहीं आई, 125 में कमी वाक़ हुई और 121 की कीमतों में इजाफा वाक़ हुआ। जी बिल्कुल, और इस हवाले से जो KSE 100 इंडेक्स है, इस करंट जो इंडेक्स है वो 11,300 के पॉइंट पे जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज का हाईएस्ट जो रहा है वो 11,363 रहा है, और आज का जो सबसे लो पॉइंट रहा है वो 11,248 रहा है। -61 मनफी 61 पॉइंट्स के साथ जो है वो मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है 11,300 के लेवल पर। जी बिल्कुल, और नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आज 263 कंपनियों के शेयर्स में जो है वो कारोबार किया गया। साथ साथ नाज़रीन को बताते चलें कि आज की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं सभी, अगर आप उन पर नज़र डालें तो नाज़रीन को बताइए कि आज सबसे अहम तरीन खबरें कौन सी हैं। आज की अहम तरीन खबर तो एप्टमा के हवाले से ही, एप्टमा ने कल हड़ताल की थी और जी हड़ताल के बाद जो है वो उन्होंने धरना दिया था, और धरना जो है वो उनका इस सूरत में जो है वो रंग लेके आया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जो है वो उनको बाकायदा तौर पे खुद एप्टमा हुकाम को जो है वो फ़ोन किया और उनसे जो है वो मुज़ाकरात के लिए कहा। 2 दिन के लिए जो है वो ये हड़ताल जो है वो मनसूख कर दी गई है। जी साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रवा माली साल के पहले 5 माह में चाय, खुर्दनी, तेल की दरामदात में बेतरतीब 11% और 12.75% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि चीनी की दरामद में कमी वाक़ हुई है। मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। फिल वक्त आपको जो है वो लिए चलते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब, वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आज हाउस में जेरे बहस लाई गई एक हजारा सूबा कायम के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरी करारदाद एक देरीना अवामी मुतालबा जुनूबी पंजाब सूबा या जुनूबी पंजाब सूबों के क़याम के लिए। हमने इंतज़ामी बुनियादों पर पंजाब में और ख़ास तौर पर जुनूबी पंजाब में सूबों के क़याम की बात की और हज़ारा इलाक़े को सूबा बनाने की बात की। ये अवामी मुतालबात हैं और इंतज़ामी बुनियादों पर हमने ये मुतालबा किया, और हमने ना सिर्फ करार दादें पेश की बल्कि हमने 20वीं आइनी तरमीम भी दाखिल कर दी। अब जिन सियासी जमातों या रहनुमाओं को अगर उससे इख्तलाफ है तो खुलकर इख्तलाफ करें और बहस में हिस्सा लें, वहाँ अपने नुक्ता नज़र हिमायत में या इख्तलाफ में उसका इजहार करें, क्योंकि अब इस मामले पर मुनाफ़क़त नहीं चलेगी। ये जो यहाँ पर रोस्ट्रम पर आकर जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई, तो मैं उसका जवाब भी देना चाहता हूँ कि मसाइल बेतहाशा है पाकिस्तान के, महंगाई, बेरोज़गारी, गुरबत, लोड शेडिंग, गैस का मसला, और हमने इन तमाम मसाइल पर कॉलिंग अटेंशन नोटिस सबसे ज़्यादा MQM के, तहरीक इल्तवा सबसे ज़्यादा MQM की, मुख्तलिफ सर्वे में हर जगह आप ये देख लें कि MQM का पहला नंबर, और आज जब हमने पूरे हाउस की आवाज़ को अवामी आवाज़ के साथ मिलाया, ये अवामी मुतालबा था, ये अवामी मुतालबा है, अवाम की आवाज़ से हमने हाउस की आवाज़ को मिलाया, हाउस में पीपल्स पार्टी के अराकीन हमें सपोर्ट कर रहे हैं,
جے یو آئی کے اراکین ان قراردادوں کو اور مطالبات کو سپورٹ کر رہے ہیں, پی ایم ایل کیو کے اراکین اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پی ایم ایل نون یا پی ایم ایل این کی بھی اکثریت ان مطالبوں کو اور قرارداد کو جو ہے وہ منظور کرائے گی اور اسے سپورٹ کرے گی, میں دعوے سے کہتا ہوں. تو معاملہ پھر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سخت زبان استعمال کی گئی؟ بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کراچی کی جماعت, کراچی کی جماعت, کوئی 5-6 بار روسٹرم پر آ کر یہ کہا گیا. بھائی اگر آج سندھ میں ہمارا مینڈیٹ ہے اور آج ہم یہ ہمارا یہ ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ ہم ایک زبان بولنے والوں کے مسائل کی بات نہیں کرتے, ہم تو پورے پاکستان اور تمام زبان بولنے والوں کی جماعت ہے, ہم نے تو پورے پاکستان کی نمائندگی کی اور پاکستان کے دیرینہ مسئلے کو زیر بحث بنایا ہم نے, کسی اور میں یہ جرأت نہیں تھی. کسی اور نے سب باتیں کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں نے بات کی, لیکن عملی طور پر کس نے قدم اٹھایا؟ تو اصل میں کس بات کی آگ لگی ہے یہ بات سامنے آ گئی, کراچی کی جماعت, کراچی کی جماعت. آج اگر ہمارے پاس پنجاب میں فرض کر لیں کوئی سیٹ نہیں ہے, تو پھر آپ سندھ میں بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ آپ پھر سندھ کے مسائل کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ایک یو سی کا مینڈیٹ ہے سندھ کا؟ بھائی جتنا پاکستان آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. آپ کا تعلق اگر کسی خاص جگہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حب الوطنی کے اور جو ہے وہ کون پاکستانی اور کون پاکستانی نہیں, اس کا سرٹیفکیٹ دینے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ جتنے پاکستانی آپ ہیں اتنے پاکستانی ہم ہیں. مجھے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے, ایک پاکستان کی جماعت ہونے کے ناطے سے, جہاں پاکستان میں ظلم ہو رہا ہوگا, جہاں پسماندگی ہوگی, جہاں احساس محرومی ہوگا. آج سابقہ مشرقی پاکستان کا رونا رویا جا رہا ہے, جو 40 سال پہلے بنگلہ دیش بن گیا, جنہوں نے مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستان اور پھر اسے علیحدگی پر اور بنگلہ دیش بننے پر مجبور کیا. آج آپ جگہ جگہ جلسوں میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا رونا روتے ہیں. میں تو آج پاکستان میں پنجاب میں جو جنوبی پنجاب کو مشرقی پاکستان اسے پیچھے رکھ کر نظر انداز کر کے, اسے وسائل سے محروم رکھ کے, اسے اقتدار اور اختیار سے محروم رکھ کے آپ جو ظلم اور زیادتی روا کر رہے ہیں, یہ پنجاب کے عوام نے بھی آپ کو اس بات کا مینڈیٹ اور ووٹ نہیں دیا, پاکستان کے عوام نے بھی آپ کو اس بات کا مینڈیٹ اور ووٹ نہیں دیا. اور جب آج آپ کی جو آپ کی جب گورننس کا چٹا کھل رہا ہے, جب آپ کی ظلم اور ناانصافی کا کچا چٹا کھل رہا ہے, ہاؤس ایک واضح اکثر سے ان شاء اللہ ہماری قراردادوں کو منظور کرنے جا رہا ہے, آپ ہاؤس میں بحث میں حصہ لینے کی بجائے کراچی کی جماعت, کراچی کی جماعت, تو پھر سندھ میں آپ کا مینڈیٹ کہاں ہے؟ ایک یو سی کا مینڈیٹ ہو تو لا کر مجھے بتائیے. جتنا پاکستان پر آپ کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے, اور یہ ایک پاکستانی جماعت ہونے کے ناطے سے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے میں یہ بات بھی ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کہیں بھی ناانصافی کا ظلم ہوگا, اور آپ بھائی اور متحدہ جو ہے وہ ان مظلوموں کی آواز اٹھانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور سن لیں میری بات, ہمیں ہمارے پاکستانی ہونے کے حق سے ہمیں کوئی محروم نہیں کر سکتا, اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے, ایک پاکستانی جماعت ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا حق بھی ہے, ہمارا فرض بھی ہے کہ جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, کسی بھی علاقے میں پسماندہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہے, انہیں نظر انداز کیا گیا. ہزارہ کے علاقے پر آپ دیکھ رہے ہیں, آج 70% کا ریونیو خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن سے آتا ہے, 6 ڈسٹرکٹ سے آتا ہے, اور آج اس کا اشیر بھی انہیں جو ہے وہ ان کے منہ میں زیرا, اس کے برابر بھی جو ہے وہ انہیں فنڈ نہیں دیے جاتے جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہم نے تو ملک کے امور میں ہمیں عوام کو اختیار بنانے, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے, ان کو مختار بنانے, ان کے معاملات میں فیصلوں کا حق دینے کہ وہ اپنے معاملات میں خود فیصلے کریں, اور ملک میں اس طرح کی اونرشپ اور ملکیت
और कॉटन का कपास का इंतजार जिंदगी बन जाकर पता हमारे नाम से उठा और आप बड़े भक्त लाहौर में बने। तो आज जब ये एक्सपोजर हो रहा है आप जब उस पर से पर्दा उठता है पूरा हाउस आपके खिलाफ खराबदार को मंजूर करने जा रहा है। तो आज आप हमें जो है वो मुल्क की उम्र में बात करने से रोक रहे हैं, हमें हमारी जबान बंदी कर रहे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान जितना आपका है हमारा और एक पाकिस्तानी होने पाकिस्तानी जमात होने के नाते से यह हमारा फर्ज भी है, यह हमारा हक है कि हम कहीं भी जुल्म होगा ना इंसाफी होगी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मेरे ख्याल में आप भी उनकी बातों में आ गए, ऐसा महसूस होता है कि बात यह है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हैं ये 65 सालों से पाकिस्तान में ये टोपी ड्रामा असल में हो रहा है और आज जब उस टोपी ड्रामे का पर्दा चाक हो रहा है उसका ड्रॉप सीन होने जा रहा है। साल 2012 में पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ठोस बुनियादों पर हल होने जा रहे हैं। उन्हें उनका आईनी हक, उन्हें उनका आईनी तशख्स सियासी जमहूरी अमल में, माशी अमल में, तरक्की के अमल में उनको शमूलियत दी जा रही है, उन्हें मिल्कियत दी जा रही है, उन्हें हक हुक्मरानी दिया जा रहा है। आप अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी की बात करते हैं भाई, आप जनूबी पंजाब के आवाम को खुद मुख्तारी देने के रवादार नहीं हैं, तो मुखालफत करें ना मेरे भाई। देखें कमीशन की क्या ज़रूरत है, 2+2 यार, दिस इज़ नो रॉकेट साइंस मेरे भाई। हमने करारदादों में भी मसले का हल दे दिया और हमने उसके साथ साथ 20वीं आईनी तरमीम का मुसवदा दे दिया, जिस तरह इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से ये भी मंजूर होंगी करारदादी, और अल्लाह ने चाहा अनकरीब ये आईनी तरमीम भी मंजूर होगी। तो फिर कमीशन की ज़रूरत क्या है भाई, वो फिटकरी लगे और वो जो आप वो कहते हैं कि दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, पिसना घिसना लगाना दर्द सर ये भी तो है, तो ये कमीशन तो खुद दर्द सर ही है भाई। देखें एक मेरा रवैया देखें कि उनका रवैया देखें, ठीक है ना। ये मुल्क 65 सालों से तकसीम करो और हुकूमत करो की बुनियादों पर काले अंग्रेज चला रहे हैं, गोरा अंग्रेज चला गया, काले अंग्रेज़ों की हुक्मरानी इस मुल्क पर। हम उन्हीं काले अंग्रेज़ों से इख्तदार इख्तियार और वसाइल को पाकिस्तान के आवाम तक ले जाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ मौजूदा सूबों की मुकम्मल खुद मुख्तारी की बात नहीं कर रहे बल्कि जहाँ इंतज़ामी बुनियादों पर देरीन आवामी मुतालबात ऐसी तहरीकें तारीखी जद्दोजहद और हवाले मौजूद हैं हम उस बुनियाद पर जो है वो वहाँ सूबे और इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात करते हैं। और जो आज ये बात कर रहे हैं वो भी उसकी मुखालफत नहीं कर रहे लेकिन साफ हो वाज़े तौर पर सामने नहीं होकर आ रहे। मेरी बात सुने, हम तो ये कह रहे हैं कि मशरकी पाकिस्तान को भी इसी रवैये ने अलग किया जो कह रहे हैं कि भाई को, हम तो भाई को भाई से मिला रहे हैं। अगर हज़ारा सूबा बन गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हिंद को बोलते हैं, जो पश्तो बोलते हैं, उनके दरमियान पहले से ज़्यादा मोहब्बत होगी। मैं ये दावे से कहता हूं पंजाबी बोलने वालों में और बंगाली बोलने वालों में ज़्यादा मोहब्बत होती अगर मशरकी पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दे दी जाती। हमने नहीं दी और आज यही हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, वही ना। देखे भाई एक अवामी
एक अवामी मसले को और अवामी मुतालबे को हमने उजागर किया और इस मुतालबे के पीछे ज़बरदस्त ताईद है, ज़बरदस्त हिमायत है। हमने तो सिर्फ अवाम की उमंगों का एहतराम किया, जुनूबी पंजाब के और हज़ारा के, और उनकी ख्वाहिशात को हमने करारदादों की और आइनी तरमीम की शक्ल देकर हम उन मुतालबों को हमने हाउस में उठाया है। अब आप उस पर देखें, ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या तो ताईद करें या उसको मुस्तरद करें, दो ही रास्ते हैं, अब बीच का कोई रास्ता नहीं है। देखें देखें बात यह है कि हमारे बिल को पर एक नज़र आप डाल लें, उसमें इन सारे सवालात के जवाब मौजूद है कि अगर क्या जुनूबी पंजाब को मशरकी पाकिस्तान बनने दिया जाए, क्या हज़ारा को मशरकी पाकिस्तान बनने दिया जाए, क्या वफाक में कौमी असम्बली में और सेनेट में तो सारे सूबों की मसावी नुमाइंदगी है, तो क्या उस नुमाइंदगी में जो दो तिहाई अक्सरियत मौजूद है क्या वो कोई आइनी तरमीम नहीं कर सकती? क्या ये कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद था कि नए सूबों के क़याम में? कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं था, कॉन्करेंट लिस्ट ख़त्म हो गई, सारे रियासती हुकूमती उमूर सूबों को चले गए। अब उन सूबों पर ये लाजिम है कि वो अपने सूबे के अंदर अगर कहीं पर किसी तबके, किसी इलाके या किसी खित्ते के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनको वसाइल में बराबर का हिस्सा नहीं मिल रहा, उन्हें सूबों के बागडोर में उन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा और वो अपना सूबा बनाना चाहते हैं, वहाँ अवामी मुतालबा है, तो हम तो सिर्फ उस मुतालबे को एज इट इज़ असम्बली में लेकर आ गए। आप उसकी ताईद करें या उससे इनकार करें, ये दाएँ बाएँ झांकना जो है वो बंद कर दें। देखें ये नहीं हो सकता कि चट भी मेरी पट भी मेरी। हमारे हमारे एएनपी के भाई सरायकी सूबे या जुनूबी पंजाब सूबे की तो हिमायत करते हैं, और जब हज़ारा डिवीज़न में वहाँ के लोगों के हकूक़ की बात आती है तो वो उनके हकूक़ से इनकार करते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि चट भी मेरी और पट भी मेरी। जहाँ तो इसीलिए मैंने कहा रेफरेंडम करा लें। हज़ारा डिवीज़न के जो छः ज़िले हैं, मानसेरा है, एबटाबाद है, हरिपुर है, कोहिस्तान है, तोरगढ़ है, बडग्राम है, छः के छः ज़िलों में आप जो है वो रेफरेंडम करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह जुनूबी पंजाब के 21 अज़ला और आपको बताते चलें कि डॉक्टर फारूक सत्तार एमकेएम के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो उनका मौक़िफ़ है, एमकेएम का जो मौक़िफ़ है सूबे बनाने के हवाले से, वो इंतहाई क्लियर मौक़िफ़ है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग काफ और नून के जो मौक़िफ़ हैं सूबे बनाने के हवाले से, उनके बहुत सारे अराकीन की जो राय है एमकेएम ने जो करारदाद जमा करवाई है उसके हक में भी है। आपको बताते चलें कि कराची में इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार एमकेएम के रहनुमा बराह रास्त खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनका जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और नून लीग के अराकीन की अक्सरियत करारदाद के हक में है। डॉक्टर फारूक सत्तार, पाकिस्तान ने जितना नून लीग का है इतना ही हमारा है, डॉक्टर फारूक सत्तार का ये भी कहना है। आपको बताते चलें कि उनका कहना है कि काफ लीग और नून लीग के अराकीन की अक्सरियत करारदाद के हक में। आज आपको बताते चलें कि डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मीडिया की गुफ्तगू से पहले आपके साथ
हम बात कर रहे थे मार्केट की सूरत हाल की। मार्केट की सूरत हाल तो आपसे डिस्कस करते ही रहते हैं, अभी आपको बताते हैं इंटरनेशनल करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स। कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स आपने जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गोल्ड की कीमत के बारे में भी बात करेंगे, तजिया निगारों को भी लाइन पर लेंगे और मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस भी जानेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।